वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ 13 का टेबल रिमेम्बर करने के लिए। मैंने पहले भी 9 के टेबल के लिए ट्रिक बताया था और मैं बहुत सारे ट्रिक्स आपको मैथ से रिलेटेड बताती हूँ, तो आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 13 का टेबल रिमेम्बर करने के लिए क्या करना है, एक आपको स्क्वायर बॉक्स बनाया है मैंने, आपको 10 बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है, 10। तो ये हो गया 9 और 10वां कहां बनेगा, यहां मैंने बनाया, ठीक है। ऐसे मुझे स्क्वायर बॉक्सेस बनाने थे, ठीक, मैंने स्क्वायर बॉक्सेस बनाए, ये 13 का टेबल बता रही हूं मैं। अब इन बॉक्सेस में आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है, ठीक है, करिए 1, 2, 3, 4 पूरे आपको नंबरिंग करनी है। अब हमें 10 बॉक्सेस क्यों बनाने थे, क्योंकि हम जो कॉमनली आप टेबल्स जब आप पढ़ते हैं तो वो कहां तक होते हैं, 13 टेंस आर क्या होते हैं, 10 तक हम पढ़ते हैं, आगे भी होते हैं लेकिन कॉमनली हम 10 तक, 13 टेंस आर मतलब 13 टाइम्स कितना है, तो 10 तक ही कॉमनली लेते हैं, इसलिए मैंने यहां पर 10 बॉक्सेस बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। जो नंबर बाहर रह गया हमको ऐसे सीरियली ही लिखना है, ठीक, जो बाहर रह गया उसे रहने दीजिए, उसे हमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, उसे हमें ऐसे बाहर ही रखना है, इधर इसके लिए कोई बॉक्स नहीं बनाना है। फिर हमें क्या करना है, ये फर्स्ट बॉक्स से अपवर्ड डायरेक्शन में लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड बचा क्या, ये बॉक्स, इसमें हमें क्या करना है, 10। तो हमें 10 करना है। अगर 12 में हम यहां पे 10 लिखते हैं, हमें इसे 3 डिजिट ही रखना है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे 1 और 0 की, तो क्या होता है, जो टेंस की प्लेस पे डिजिट होता है वो कैरी फॉरवर्ड होके कहां जाता है, कैरी फॉरवर्ड होके जाता है नेक्स्ट डिजिट पे। तो यहां था 12, तो 1 ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 130। और जो नंबर आउटसाइड थे उन्हें हमें अब कंसीडर नहीं करना है। तो इस तरीके से आप 13 का टेबल याद कर सकते हैं। अब देखिए 13 का टेबल बन गया ना, 13 1s are 13, 13 2s are 26, 13 3s are 39, 13 4s are 52, 13 5s are 65, 13 6s are 78, 13 7s are 91, 13 8s are 104, 39s are 117 and 13 10s are 117। So like this you can also practice। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।